Hello everyone, I am Dr. Pawan Kumar Jha from CBH Group of Institution. Today we'll discuss how to calculate operating profit. यानी operating profit को कैसे हम लोग calculate करते हैं इसके बारे में हम लोग आज के session में discussion करेंगे. तो operating profit basically is calculated by the preparation of क्या profit and loss account. Operating profit को वैसे तो हम लोग दो तरह से क्या कर सकते हैं इसको calculate कर सकते हैं. एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना करके और दूसरा फॉर्मूला से भी हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं. तो थोड़ा देर के लिए अगर मान लो कि मुझे पीएल अकाउंट प्रिपेयर करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हम इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट दे करके और इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें बाय ग्रॉस प्रॉफिट जो गिवन रहेगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट से फाइंड आउट होकर के आता है, तो उसके डेबिट में इसमें क्या हो जाएगा, पीएल अकाउंट के क्रेडिट में हो जाएगा. उसके बाद बाय ऑपरेटिंग इनकम, जैसे कि हम सभी को ही जानते हैं कि जितने भी इनकम होते हैं वो क्रेडिट साइड में शो करते हैं और जितने भी डेबिट होते हैं उसको, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम लोग डेबिट में शो करते हैं. तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ पर हो जाएगा ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम ये हो जाएगा. फिर इसके बाद इधर डेबिटेड में हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को शो करेंगे और इसके बाद जो मिसिंग फिगर आएगा तो इसी को हम लोग क्रेडिट को जोड़ करके डेबिट एक्सपेंसेस को घटा देंगे. तो ये जो डेटा आएगा इसी को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो आप के पास में दो ऑप्शन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने का. एक तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करके बना सकते हैं और दूसरा इसको हम फॉर्मूला से भी बना सकते हैं. तो जैसे कि इसको ही अगर बेस मान करके हम फॉर्मूला में शो करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट. हाँ, कभी कभी ये देखने को होता है कि ऑपरेटिंग इनकम अगर गिवन नहीं है तो उस सिचुएशन में ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करके जो डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहेंगे. तो यहाँ पर देखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसे कहते हैं तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स ओवर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. यानी यही हुआ कि जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट एक्सेस करेगा किससे, इस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, तो वो आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट. तो इसको फॉर्मूला में तीन चार तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तीन चार तरह का फॉर्मूला है तो उसको भी हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं. तो फर्स्ट में लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट. यानी ये फर्स्ट फॉर्मूला है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स, नेट सेल्स वी नो दैट कि टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. यानी यहां पर हम लिख सकते हैं कि नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट. अब ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब यहां पर हो गया कि जो भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. यहां पर साफ कर देना चाहेंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस जो रेगुलर है ना बेसिस पर आपको वो बिजनेस को ऑपरेट करने के संबंध में जो भी आप अमाउंट क्या करते हैं स्पेंड करते हैं, लाइक जैसे ऑफिस सैलरी हो गया या जनरल एक्सपेंसेस हो गया, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो गया, उसके बाद फिनेंशियल एक्सपेंसेस हो गया, इन सारे एक्सपेंसेस को हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट में इंडिकेट कर सकते हैं. तो इस तरह से फर्स्ट फॉर्मूला आपका यह कहता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट. और दूसरी तरफ इसको और दूसरे फॉर्मूला भी कहता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट से निकालना हो, यानी नेट सेल्स से नहीं निकालना, ग्रॉस प्रॉफिट से निकालना हो, तो यहां पर तो ये सिंपल कहता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. जो जैसे कि अभी हम आपको पीएल अकाउंट बनाकर के समझाए हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डेबिटेड होता है और ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है पीएल अकाउंट में, क्रेडिटेड होता है. तो उस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे. उसके बाद हमको अगर ये क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम दोनों दिया हुआ रहेगा तो आराम से यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया, ये फॉर्मूला जो हो गया ये आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कभी कभी आपको ये भी आएगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको नेट प्रॉफिट से भी कैलकुलेट करने का आपको क्वेश्चन में दिया पड़ेगा, कि क्वेश्चन में कि नेट प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन और कहेगा आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए, तो उस सिचुएशन में यहां पर ऑपरेटिंग जीपी की जगह हो जाएगा एनपी यानी नेट प्रॉफिट प्लस, नेट प्रॉफिट तो डेबिटेड होता है पीएल अकाउंट में, तो इसीलिए नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये भी एक फॉर्मूला होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इस तरह से तीन चार फॉर्मूला आपका ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।